गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बहुत ही शानदार व्यू मेट्रो का, ये जयपुर मेट्रो जिसके पास में मैं ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जयपुर मेट्रो का मानसरोवर का पहला स्टेशन यहाँ से शुरू होती है, या फिर सिटी से आती है तो ये आखिरी स्टेशन यहीं तक जाती है। आगे ये जो मेरे पीछे जो ट्रैक है, ये यहाँ जाकर बंद हो जाती है, आगे मेट्रो नहीं है, यहीं तक है, आगे विस्तार फिर होगा शायद। तो यहाँ से ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं और अभी हम मानसरोवर के अंदर जाने वाले हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होगा, पूरा वीडियो देखें, मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये मानसरोवर मेट्रो का व्यू और नीचे ये चलता हुआ ट्रैफिक, और इस रास्ते पे हम चलेंगे। आज मैं आपको एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, मानसरोवर में लेके जाने वाला हूँ। और मानसरोवर का आपको इस ब्लॉग में पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, आप बने रहें, बहुत ही शानदार वीडियो होगा। तब तक ये नज़ारे यहाँ के देख लें, ये मेट्रो का और नीचे का ट्रैफिक का पूरा व्यू। आइए आगे चलते हैं। और ये आगे निकलते हुए बस का स्टॉप यहाँ पर हो रही है, सामने सिग्नल। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो बस का जो आपको बना दिखाया गया, ये एम्बुलेंस के लिए है असल में, और बसों के लिए है, कॉरिडोर बना रखा है। ये जयपुर में बहुत सारे इलाकों में, और इस रोड के ऊपर भी है, देखिए आगे तक, आगे वाली रोड पर भी है ये। आइए आगे चलते हैं। ये यहाँ पर बस का स्टॉप और ये कॉरिडोर जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये अंदर से एम्बुलेंस और बसों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया। इधर हाईवे है और वो साइड में हाईवे है जहाँ पर आपको पुलिस वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं, और ये बीच में आपका कॉरिडोर है जिसमें एम्बुलेंस वगैरह या बस वगैरह चल सकती हैं। तो एमरजेंसी में बहुत ही फास्ट ये हॉर्न बजा रहा है, एमरजेंसी बहुत ही फास्ट वहाँ तक पहुँच सकते। और ये आगे यहाँ का व्यू, श्री बाबा बालकनाथ जी का आश्रम है ये, यहीं पे इसी रोड के ऊपर। और ये पूरा व्यू है, और ये यहाँ पर दो मंदिर हैं, आप देखें, श्री गणेश जी और श्री हनुमान जी का मंदिर। और ये यहाँ का व्यू, आइए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आश्रम का व्यू, इधर मंदिर, और ये इसी बाईपास रोड के ऊपर मानसरोवर की एक और सिग्नल। यहाँ ये लेफ्ट में जो बाइक आपको आती दिखाई दे रही है, अभी गाड़ी आई है इधर, ये रजत पथ जो मानसरोवर के अंदर जाता है। अभी क्योंकि हम बाहर की तरफ हैं, बाईपास रोड के ऊपर हैं, तो ये एक सिग्नल जहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं। और ये इसी रोड का एक बड़ा सिग्नल जिस पर हम आ गए हैं, इसमें यदि हम इधर बात करें, इधर से वो गाड़ियाँ आपको आती दिखाई दे रही है। ये वीटी रोड, मानसरोवर का वीर तेजाजी मार्ग, जिसे वीटी रोड के नाम से जाना जाता है, फेमस रोड है। और इधर अंदर सामने जो रोड दिखाई दे रहा है, ये मोहाना रोड है, जयपुर का सबसे बड़ा सब्जी मंडी मोहाना, उसको जाता है। और आगे इस्कॉन टेम्पल वगैरह वो भी है। तो ये यहाँ का पूरा व्यू है इस सिग्नल का, आइए और आगे चलते। और ये सिग्नल से आगे निकलते ही व्यू, ये एक और सिग्नल, बारिश का टाइम है, पानी आपको दिखाई दे रहा है। और अंदर जो रास्ता जा रहा है, जिसपे बाइक वगैरह जा रही है, पटेल मार्ग मानसरोवर का। और ये सिग्नल से दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे, आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो ये सीधा मोहाना मंडी के लिए और इस्कॉन टेम्पल के लिए रोड है। पिछली रोड से भी हम जा सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ से भी जा सकते हैं। ये यहाँ का व्यू, सिग्नल से आगे निकलते ही
ये स्कूल यहाँ पर सेंट विल्सबर्ग स्कूल, ये यहाँ का पूरा व्यू, सेंट विल्सबर्ग कॉलेज, ये यहाँ का बाहर का व्यू, काफ़ी बड़ा स्कूल। ये इस्कॉन मंदिर के लिए डायरेक्ट रोड जो इधर जो दिख रही है आपको सामने से, और ये यहाँ का पूरा सिग्नल। और ये इसी रोड पे दूसरी तरफ बड़ा एक मंदिर, और ये यहाँ का इस बाईपास मानसरोवर का व्यू, और ये सिग्नल जहाँ से ये यदि हम लेफ्ट में घूमते हैं तो टोंक रोड, आगरा रोड, कोटा रोड और जयपुर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निकलता है, और सीधा निकलते हैं तो आगे फिर मानसरोवर के बाद में आगे की कॉलोनी और आगे टोंक रोड में ये रोड मिल जाती है। तो ये इसी रोड पे लेफ्ट में घूमते हैं तो टोंक रोड का और एयरपोर्ट का रास्ता और मानसरोवर का रास्ता रोक पे हम करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।